और एक रद्द अमल हमें दिखाई दे रहा है, तो उस सबको सामने रखते हुए मैं समझता हूं इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए इमरान खान साहब अपना फैसला करेंगे। तो बताइएगा जिस तरह मुल्तान में आवाम ने जो है मेहरबानों को मतलब वो जो कन्फर्मेशन उन्होंने दिया, आवाम सिर्फ इमरान खान को चाहती है, अगर अदालत से भी आपको इंसाफ का पता मिल जाए सुप्रीम कोर्ट, तो फिर पार्टी का मतलब भी क्या होगा, आप क्या लेवल देंगे? देखिए इमरान खान की जो पार्टी है और उसका जो नजरिया है और उसका जो बयानिया है वो लोगों में जहनशी हो चुका है, लोगों में बात, उनके दिलों में बात उतर चुकी है। इमरान खान आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े तबके की और आवाम की अक्सरियत की जज्बात की तर्जुमानी कर रही हैं। इंशाल्लाह ये इनका ख्याल है कि पार्टी बैठ जाएगी, तो ये ख्याल गलत साबित होगा। अच्छा साहब एक अहम सवाल, आज जिस वक्त ये फैसला आ रहा था उसी वक्त आर्मी चीफ की जानिब से एक बयान आया और रिटायरमेंट के करीब ये बयान आया है कि फौज हमेशा के लिए सियासत से अलग हो रही है और सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए हमने तो हमेशा कहा है कि आईन में हर इदारे का एक रोल है और उसका तायुन हुआ है, हर इदारा अपना आईनी रोल अगर अदा करता है और अपना आईनी किरदार अदा करता है उसमें मुल्क की बेहतरी है, और मैं समझता हूँ इसी तरीके से इदारे मजबूत होंगे। तो ये फैसला जो है सियासत से ताल्लुक होने का फैसला।